आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्र, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों डिस्ट्रक्शन ऑफ एजटेक एम्पायर की। एजटेक एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर था और बड़ा ही ताकतवर एम्पायर था। जिस तरीके से आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन देखी होगी वैसा एम्पायर था ये, और ये बहुत ही पुरानी सभ्यता थी। आपने मायंस के बारे में सुना होगा, इस तरीके का लगता था बिल्कुल। ये बहुत बड़े बड़े मंदिर वहां पे हुआ करते थे, पिरामिडल शेप के। यहाँ पे झीलें हुआ करती थी और बहुत ही खूबसूरत ये शहर, मतलब जो एजटेक्स एम्पायर के शहर थे, बहुत ही खूबसूरत हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों इतिहास में कभी भी कोई भी एम्पायर इतना जल्दी नहीं गिरा जितना जल्दी एजटेक्स एम्पायर गिरा। ठीक है, 2 साल, सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर स्पैनिश ने इस पूरे एम्पायर को खत्म कर दिया। हर्नांडस कोर्तेस आए और पूरे एम्पायर को निस्तना नाबूद कर दिया, पता ही नहीं चला। और यहां पे फिर वो कैप्टन जनरल हो गए। मेक्सिको जो पूरा का पूरा एरिया है आज का मेक्सिको, उस समय का एजटेक्स एम्पायर था दोस्तों। वैसे भी स्पेन की अगर हम बात करें तो स्पेन ने अमेरिका को कॉलोनाइज किया था। ठीक है, अमेरिका पूरा स्पेन के अंदर था और भैया पूरा अमेरिका को ना ध्वस्त कर दिया था। जितनी भी ट्राइब्स थी, अभी भी अमेरिका में हम देखें तो वहां के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है, ठीक है, जो ट्राइब्स हैं, जो बहुत ही सालों से रह रहे हैं, 500 से ज्यादा हैं, लेकिन उस समय तो बहुत ज्यादा थी। लेकिन ये यूरोपियंस ने अमेरिका को पूरा बर्बाद कर दिया और उसके बाद बोलते हैं कि जो मेक्सिकन्स, ये जो ट्राइब्स है, ये हमारे देश में आ रहे हैं। क्या बात है, हिपोक्रेसी एट इट्स पीक। फिलहाल हम डिस्ट्रक्शन ऑफ एजटेक्स एम्पायर की बात करेंगे दोस्तों। ये एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, 1314 में, मतलब इस एम्पायर को बनाया गया था, 1314 कह रहा हूं, 1345 में इस एम्पायर को बनाया गया था और ये 1521 तक चला। 1519 में स्पेन ने यहां पे इन्वेड किया था और पूरे एम्पायर को बर्बाद कर दिया था। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है दोस्तों, लेकिन मैं बहुत ही आसानी से आपको समझाऊंगा, बताऊंगा दोस्तों किस तरीके से बीमारी ने इस एम्पायर को तबाह कर दिया। शायद युद्ध जो हो रहा था उससे बच भी जाते, लेकिन जो यूरोपियंस अपने साथ भयानक बीमारियां लेके आए थे ना, उनसे आधा एम्पायर, आधी पॉपुलेशन तबाह हो गई। सिरेंड्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से, मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह एप्लीचर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये क्या था एजटेक एम्पायर, देखिए ऐसा है, आज का जो आप मेक्सिको देख रहे हैं, ठीक है, वहां पे नोमैडिक ट्राइब्स ने अपना बसेरा बना लिया। ठीक, अब ऐसा बोला जाता है कि ये मेसोपोटामियंस रहे होंगे, वहां से पूरा ओरिजिनेट हुए होंगे, पहले हंटर गैदरर्स रहे होंगे, हंटर एंड फूड गैदरर्स, और फिर यहां पे इन्होंने अपनी सभ्यता बना ली। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता ही है कि ये सब नोमैड्स थे, नोमैडिक ट्राइब, बंजारे थे, और जब ये लोग एक जगह इकट्ठा होते थे वहां पे फिर बड़े बड़े एम्पायर खड़े हो जाते थे। ऐसे ही नोमैडिक एम्पायर आपको याद होगा, बहुत बड़ा, मतलब आज तक का सबसे बड़ा नोमैडिक एम्पायर मंगोल एम्पायर है। मंगोल एम्पायर में अभी मैंने पिछले हफ्ते एक लेक्चर किया था, ठीक है, कि प्लंडर्स ऑफ मंगोल एम्पायर। तो ये नोमैडिक जो होते थे बड़े खतरनाक होते थे वैसे, ठीक है, इनको कोई रहने का सहूर नहीं था और ये गांव में जाते थे और उनको पूरा खत्म कर देते थे। हालांकि एजटेक्स में एक प्रॉपर एम्पायर बनाया और इतने खूबसूरत शहर होते थे दोस्तों, यहां पे लोग यहां पे आते थे ट्रेड करने, मार्केट्स तो क्या कहने दोस्तों, यहां पे 50,000 लोग यहां पे आते थे, खरीदारी करते थे, बहुत ही खूबसूरत शहर, और मंदिरों की तो क्या बात है दोस्तों, यहीं पे ही मायन सभ्यता थी। तो अब मायन के कैलेंडर्स और एजटेक्स के कैलेंडर्स जो है ना, वो इतने जबरदस्त होते थे, वो एक पूरे सोलर साइकिल चलते थे, 365 दिन, एक एक दिन की तो टाइम बताते ही थे, साथ ही साथ आगे क्या होने वाला है, कौन सी सभ्यता कब खत्म होगी, सब बताते थे। अरे भैया मायन कैलेंडर 2012 में खत्म हो रहा था ना, बड़ी उस समय चर्चा चली थी कि पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनका कैलेंडर खत्म हो रहा था। यहां तक प्रेडिक्ट कर देते थे सूरज की पोजीशन को देख के कि कौन सा एम्पायर कब ध्वस्त होगा। एजटेक्स एम्पायर की जो डेट थी, एक्सपायरी डेट, वो 1521 बताई गई थी और 1521 में ही ये हुआ। लेकिन एक और चीज बताई गई थी कि यहां पे भगवान आएगा जो आपको आपकी सारी मुसीबतों से उबार देगा। तो जब हर्नांडस कोर्तेस आए तो सबको लगा कि ये वही भगवान है, बड़ी बड़ी दाढ़ी लेके आए थे तो ये वही बियर्डेड गॉड है, लेकिन हर्नांडस कोर्तेस ने कुछ और ही कर दिया, स्पेन से आए थे और सब बर्बाद कर दिया दोस्तों। बड़े खतरनाक खतरनाक नाम आपको यहां पर सुनने को मिलेंगे, पहले बता दे रहा हूं, मैं तो जब हिस्ट्री पढ़ता हूं स्पेशली ये अमेरिकन और ये रशियंस की, तो मुझे तो समझ ही में नहीं आता दोस्तों, ऐसे खतरनाक नाम है, जीभीली पड़ी आती है, टंग ट्विस्टर हैं। वैसे बता दूं, मैंने फिजिक्स से भी एमएससी किया है और मेरा हिस्ट्री से भी एमए है, ठीक है, मतलब मेरे पास डुअल डिग्री है, तो
तो हालांकि वो मैं डालता नहीं हूँ, तो कई लोग पूछते हैं सर आप फिजिक्स से हैं, आप साइंस से हैं, तो आप हिस्ट्री कैसे पढ़ा सकते हैं? वैसे ऐसा कुछ नहीं है भैया, कोई भी हो बस पढ़ने का शौक होना चाहिए, कुछ भी कर सकता है। तो मेरा एमए इन हिस्ट्री भी है, तो जब मैं ये एंशियंट हिस्ट्री या अमेरिका की हिस्ट्री पढ़ता हूँ, इतने खतरनाक खतरनाक नाम होते हैं, समझ ही नहीं आता कि इनको प्रोनाउंस कैसे करूं, तो ये चीज है। तो दोस्तों अगर हम बात करें एजटेक्स एम्पायर की, तो ये ट्रिपल अलायंस था। पहले आप ये देख लीजिए था का, ये जो आप देख रहे हैं नॉर्दर्न मेक्सिको, यहां पे ये पूरा एम्पायर था, ठीक है। ये आप अमेरिका है आपको पता ही है, ये यूएसए है, ठीक है, और उसके बाद फिर ये आपका कनाडा है पूरा का पूरा, ठीक है, और उसके बाद नीचे ये पूरा मेक्सिको का रीजन है, लेकिन ये जो नॉर्दर्न मेक्सिको है ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। और यही तो ये भैया पूरे, हम ये देखते हैं कि अगर आप ब्राजील को छोड़ दें, ठीक है, कनाडा को छोड़ दें और कुछ नॉर्दर्न स्टेट्स को छोड़ दें, बाकी पूरा स्पेन ने अपने कब्जे में ले लिया था। यहाँ पे स्पेन का राज था और वो बर्बरता की है स्पेन ने दोस्तों, पूरी की पूरी पॉपुलेशन को ही मिटा दिया, जो इनका ओरिजिनल कल्चर था सबको खत्म कर दिया। बड़े ये एक तरीके से क्रूर थे ये स्पेन, स्पैनिश तो बहुत ज्यादा क्रूर थे दोस्तों, बहुत ही ज्यादा। इंक्विजिशंस पे मैंने अभी ऑटो डाफे पे लेक्चर किया था, ये तो बड़े खतरनाक लोग थे, छोड़ते ही नहीं थे, सीधा काट डालते थे। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला ये है हमारा एजटेक्स एम्पायर, ठीक है, ये पूरा फैला हुआ था। एजटेक्स एम्पायर को वैसे ट्रिपल अलायंस बोला जाता है, तीन शहरों का अलायंस, और ये बहुत ही जबरदस्त थे। इसमें टेनोच टिटलान जो है वो सबसे बड़ा शहर था और सबसे खूबसूरत शहर था, फिर ट्लैकोपैन और टेक्सको को, ये आपको दिख रहा है ना, ये देखिए, ठीक है, टेनोच टिटलान, टैक्सोपैन और टेक्सको को, ये ठीक है, ये तो ये पूरा का पूरा मेक्सिको का एम्पायर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये आप चले जाइए तो यहाँ पे आपको मायन दिख जाएगा, तो इंपॉर्टेंट है। और ये गल्फ ऑफ मेक्सिको, तो यानी कि ये जो था इसी को हम बोलते थे एजटेक्स, ये 1520 तक रहा। और ये जो पूरी अलायंस है ये 1400 मतलब 15th सेंचुरी आते आते इस पूरी अलायंस को बनाया गया था, ठीक है, ट्रिपल अलायंस जिसको बोलते हैं, और बहुत ही खूबसूरत था ये। मतलब एक साल तक तो, मतलब आने वाले 100 सालों तक ये जो ट्रिपल अलायंस था बहुत ज्यादा फ्लरिश किया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, पता है क्या प्रॉब्लम, ये जो एम्पायर था, ये जो ट्रिपल अलायंस था, ये क्या करती थी कि कोई गांव है, ठीक है, अब इधर सब जंगली हुआ करते थे, ठीक है, कोई गांव है वहां पे, कोई विलेज है, लोगों को वहां से पकड़ के लेके आते थे और उनकी बलि देते थे। अगर मान लीजिए कि सूखा पड़ गया, ठीक है, तो यहां पे मंदिरों में बलि दी जाती थी, और पूरी की पूरी जो छोटी छोटी ट्राइब्स है उन सबको तबाह कर देते थे ये लोग। आपने वो मूवी देखी होगी मेल गिब्सन की एपोकेलिप्टो, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उस मूवी को देखिएगा जरूर। उसमें आपको ये एंशियंट हिस्ट्री और इनफैक्ट यही एजटेक्स एम्पायर के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से ये लोग छोटे छोटे ट्राइब्स जो होते थे उनको पकड़ के लेके आते थे और खत्म कर देते थे। अगर आप यहां पे हमारे स्लेव है तो ठीक है, नहीं है तो हम आपको मार देंगे। तो बड़ा ही खतरनाक इनका तरीका था, और इसीलिए तो ये जो एक्सपैंड करने में कामयाब रहे, क्योंकि जो जितने भी जो जंगल में छोटी छोटी ट्राइब्स थी उन सबको पकड़ के ले आते थे, स्लेव बना लेते थे और यहां पे फिर काम करवाते थे। लेकिन ये जो शहर था ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। 1428 में ये ट्रिपल अलायंस बनता है, टेनोच्टिट्लान जो सेंटर था, और इस डिस्ट्रक्शन ऑफ एटेक्स को फॉल ऑफ टेनोच्टिट्लान भी बताया जाता है। अब दोस्तों क्रिस्टोफर कोलंबस आए, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया, स्पेनिश थे आपको पता ही है। अब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका को डिस्कवर, ऐसा नहीं है कि अमेरिका को इन्वेंट किया या अमेरिका को बनाया दोस्तों, अमेरिका बहुत पहले से ही था। लेकिन क्या है ना कि पहले ऐसा होता था कि कोई टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, ठीक है, तो शिप ऐसे चले जाते थे, मतलब यूरोप से सब बोलते थे कि इधर जाओ, आधे वेस्ट में जाओ आधे नॉर्थ में जाओ, और देखो कहाँ कहाँ जमीन है, चलते रहते थे, चलते रहते समुद्र में, चलते रहते थे, जहां पे भी जमीन दिखती थी और बहुत बड़ा कुछ प्लेटू टाइप का दिखता था, जंगल दिखते थे, लोग दिखते थे, तब लोगों को पता, तब जो मतलब जाते थे एक्सपेडिशंस पे वो बोलते थे कि यहाँ तो भैया पूरी की पूरी सभ्यता है, यहाँ पे जमीन है। तो इस तरीके से मैप में मार्किंग्स होती थी, ठीक है, तो पहले के जो मैप है वो इस तरीके से बनाए जाते थे। तो वो कहने का मतलब है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया, अमेरिका तो बहुत पहले से था लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया, मतलब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका अमेरिका में पहुंचे, ठीक है, और वहां पे फिर मैप में मार्क किया। तो भैया जब कोलंबस पहुंचे अमेरिका में, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, तो वहां पे तो काफी लोग रह रहे थे। अब क्रिस्टोफर कोलंबस ने फिर तुरंत बोला स्पेन को कि यहाँ तो लोग रह रहे हैं और हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम यहाँ पे अपने सेटलमेंट बना सकते हैं, तो बहुत अच्छी। तो भैया कोलंबस, वैसे क्रिस्टोफर कोलंबस बड़े खतरनाक इंसान थे, पूरे स्पेन ही जितने भी जो भी जनरल है वो बड़े खतरनाक थे स्पेन के। तो यहाँ पे फिर स्पेनिश सेटलमेंट्स की शुरुआत होती है, बगल में क्यूबा है, ठीक है, आपको पता ही है अमेरिका के बगल में क्यूबा है, वहां पे इन्होंने अपने सेटलमेंट बनाए।
अब क्यूबा जो है वो एक पोर्ट सिटी है, तो वहां से आसानी से शिप में बैठ के हम कहीं पे भी जा सकते हैं, तो स्पेन वहां चला गया। अब दोस्तों शुरू होता है ये सब कुछ 1511 में। 1511 में हम ये देखते हैं डिएगो वेलास्कस, जैसे कि मैंने बताया नाम बड़े खतरनाक है, डिएगो वेलास्कस को जनरल बनाया गया, स्पैनिश वायसराय बनाया गया, ठीक है ना। अब डिएगो वेलास्कस कौन थे, यहां पे बोला गया कि तुम जो बगल में अमेरिका है यहां पे जाओ इसको जीतो और क्यूबा को भी गवर्न करो। डिएगो वेलास्कस तो थे ही, साथ ही साथ इनके साथ हर्नांडस कोर्तेस भी काम करते थे, लेकिन तब खाली वो काम करते थे, ठीक है, कोई इनकी बड़ी पोजीशन नहीं थी, वैसे ही मिलिट्री में काम करते थे, इनकी जो फौज थी इनकी जो सेना थी उनके साथ काम करते थे। अब स्पेन ने तो बोला कि जाके जीतो, जितना हो सके एक्सपैंड करो, हमारे सेटलमेंट को बढ़ाओ, बहुत अच्छा हो। लेकिन यहां पे दिक्कत हो गई जब हर्नांडस कोर्तेस ने रिबेल कर दिया भैया, विद्रोह कर दिया। 1503 में दोस्तों एक और चीज होती है, हम यहां पे देखते हैं कि जो मॉक्टेजुमा है, ठीक है, जो गवर्नर थे मतलब जो रूलर थे यहाँ पे ये एस्टेक्स एम्पायर के, वो क्या करते हैं, वो भी मस्त एकदम तरीके से कॉन्क्वेस्ट करते हैं और काफी शहरों को जीतते हैं, ठीक है। तो मॉक्टेजुमा की यहां पे हम देखते हैं कि उनकी कॉन्क्वेस्ट भी शुरू होती है और इनको राजा बनाया जाता है। अब उसके बाद 1504 में हर्नांडो कोर्तेस आते हैं कैरिबियन आइलैंड में, ठीक है, अभी जो वेस्ट इंडीज का आपको आइलैंड है ना, छोटे छोटे आइलैंड्स वो पूरा बना के वेस्ट इंडीज बना हुआ है, तभी वेस्ट इंडीज की टीम जीतती नहीं है क्योंकि उसमें यूनिटी नहीं है, छोटे छोटे आइलैंड को बना के पूरा वेस्ट इंडीज बनाया है, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं कि हर्नांडो कोर्तेस आए कैरिबियन में, और जब ये आए तो इनके तो एम जो एम्बिशन था वो कुछ और ही था, ये तो बहुत बड़ी पोजीशन लेना चाहते थे और पूरे अमेरिका को जीतना चाहते थे, ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं 1518 में कोर्तेस को ये बोला गया कि जाओ देखो क्या होता है, लेकिन डिएगो वेलास्कस ने थोड़ी टाइम के लिए रोक दिया कि अभी रुक जाओ, इतनी जल्दी मत करो। लेकिन जब कोर्तेस को पता चला, हर्नांडस कोर्तेस को पता चला कि एक एम्पायर है एजटेक करके और वहां पे बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हम उसको जीत सकते हैं, ठीक है, हालांकि इतना आसान नहीं था क्योंकि एजटेक बहुत ही बड़ा एम्पायर था, इनकी बहुत जबरदस्त आर्मी थी, बड़े गजब हथियार थे, काफी भयानक लड़ाके थे ये, लेकिन फिर भी हर्नांडस कोर्तेस को यहां पे ट्राई तो करना ही था कि देखते हैं क्या होता है, एक बार सेना लेके जाते हैं, ठीक है। लेकिन डिएगो वेलास्कस ने मना कर दिया था, अभी रुक जाओ अभी नहीं करना है, तो हर्नांडस कोर्तेस का मूड खराब हो गया और उन्होंने बोला कि ऐसा तो चलेगा नहीं, और मैं इसके जो इसने बोला है मुझे उसके अगेंस्ट जाऊंगा, यानी कि डिएगो वेलास्कस को बताए बिना हर्नांडस कोर्तेस चलेगा भैया एस्टेक एम्पायर को जीतने। उस समय अगर हम एस्टेक एम्पायर की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत मार्केट थे, ये सब मैं बता ही चुका हूँ, काफी इंटेलेक्चुअल सोसाइटी थी, कास्ट का डिविजन भी था, ठीक है, जो बॉटम में थे वो उनको सर्फ से बोला जाता था, ये सर्वेंट्स से स्लेव्स थे और इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, और ये मेजोरिटी में थे, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ठीक है कि एजटेक एम्पायर फ्लरिश हो, इनफैक्ट ये इनका डिस्ट्रक्शन चाहते थे। आपको बता जान के हैरानी होगी कि जब हर्नांडस कोर्तेस आया तो यहाँ के एजटेक के लोगों ने बहुत ज्यादा साथ दिया हर्नांडस कोर्तेस का, क्योंकि इनकी इनका बहुत ज्यादा शोषण होता था, इनकी बलि दी जाती थी, जिस तरीके से इनको लाया जाता था, ठीक है, जैसे रेड कर दी, पूरे के पूरे गांव को तबाह कर दिया, पूरी जनता को ले आए, औरतों को ले आए, बच्चों को ले आए और उनको स्लेव बना के रखा जाता था, तो बड़ी बुरी कंडीशन थी यहां पे अगर हम देखते हैं तो। भैया ये लोग तो चाहते ही थे कि एम्पायर पूरी तरीके से तबाह हो जाए, और हर्नांडस कोर्तेस ने भी इसका इस्तेमाल अपने लिए किया, बड़ा मजा आया। तो हम यहां पे देखते हैं कि मेक्सिको गए ये लोग। अब जब ये लोग मेक्सिको गए तो 3 शिप लेके गए थे, ठीक है, और क्यूबा से निकले थे, 100 मैन अराइव हुए 1517 में। वहां पे पता चला कि ये तो बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है, अगर यहां पे हम इस मेक्सिको को यानी कि एजटेक को अगर कंकर कर ले तो बहुत ही अच्छा होगा। थे ये जो स्पैनिश थे ये पूरे के पूरे शिप लेके गए, ठीक है, हालांकि डिएगो वेलास्कस नहीं बोला था, लेकिन यहां पे जब लोग यहां पे आए 1517 में तो डिएगो वेलास्कस को ये बोला गया कि आप जो है यहां पे भेजो शिप्स, यहां पे मतलब इस एजटेक एम्पायर को आप जीत सकते हो, यहां पे एक्सपेडिशन करो, बहुत अच्छा होगा। तो भैया कोर्डेस ने मतलब यहां पे डिएगो वेलास्कस ने इसके बारे में सोचा, लेकिन उन्होंने थोड़ी देर लगा दी सोचने में, तब तक हर्नांडस कोर्तेस जो थे वो निकल गए थे। अब हर्नांडस कोर्तेस 1519 में, बल्कि डिएगो वेलास्कस का कोई ऑर्डर नहीं था, लेकिन उस ऑर्डर को डिफाई करके हर्नांडस कोर्तेस कुछ बोट्स ली, कुछ लोगों को लिया जो एफिशिएंट थे, और उनको लेके वो पूरा जीतने निकल गए एजटेक एम्पायर को। अब बहुत ही कम, हम यहां पे देखते हैं बहुत ही कम कोर्तेस की सेना थी और इनके साथ ज्यादा लोग भी नहीं थे, लेकिन कोर्तेस का सीधा था कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, वहां पे जाओ और जो भी एजटेक से दुश्मनी करता है, टेनोच टेटलान से दुश्मनी करता है वो हमारे साथ है,
यही चीज उन्होंने अप्लाई की। तो भैया अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे आए कोर्टेस एजटेक सिविलाइजेशन में, उस समय मोक्टेजुमा जो है वो रूल कर रहे थे। मोक्टेजुमा को लगा कि ये तो एक ऐसा इंसान है जो हमको, मतलब ये भगवान है, और जिस भगवान की बात कर रहे थे वही हमको उबारेगा। तो ये सब कुछ होता है। और फिर हम ये देखते हैं, सबसे पहले तो ये पोटांकन जो था, ठीक है, पोटांकन वहां पे गए, वहां पे जीता। एक्चुअली क्या था, मैं आपको बहुत ही आसानी से समझा रहा हूं, था क्या कि कोर्टेस का सीधा सीधा था कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओ वैसे वैसे छोटे छोटे शहरों को जीतते जाओ, छोटे छोटे शहरों को जीत के उनको अपने साथ में लेते जाओ, ठीक है। और हर्नांडो कोर्टेस का ये सीधा फंडा था। अब हुआ क्या जो दोस्तों, कि जब ये सारी चीजें हो रही थी तो भैया सबसे पहले तो पोटांकन जो वहां पे था, वहां पे जो एक छोटी सी सभ्यता थी, ठीक है, और ये सब एस्टेक सिविलाइजेशन के ही अंदर आती थी, वहां के जो लीडर्स थे उन्होंने जब स्पेन आया, ठीक है, अब स्पेन जब आया तो भैया अपने साथ काफी गन्स घोड़े सब कुछ लेके आया था, शिप वॉरशिप्स भी थे, आसान नहीं था लड़ना। तो यहाँ के लीडर्स ने बोला कि आओ हमारे साथ पीस कर लो और हम तुमको बदले में बहुत कुछ देंगे। तो यहाँ पे 20 औरतों को दिया हर्नांडो कोर्टेस, ये सब स्लेव थी, और इसमें से एक थी ला मलांची, ठीक है, ला मलिंचे, ठीक है, ला मलिंचे की बात करें तो ये थी ट्रांसलेटर। ये क्या थी, वहां की जो भाषा थी, एजटेक की जो भाषा थी वो अलग थी। अब इस भाषा को स्पेनिश में ट्रांसलेट करने का काम मलिंची को दिया गया था, और मलिंची बाद में कोर्टेस के साथ रहने भी लगी और वो मिस्ट्रेस भी होगी कोर्टेस की, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई, उसके बाद जो भी बताते थे, अच्छा ट्रांसलेटर भी मिल गया। लेकिन इधर से खतरा ये मंडरा रहा था कि कोर्टेस ने परमिशन तो ली नहीं है डिएगो वेलास्कस से, स्पेन से परमिशन नहीं ली है कि यहां पे हम जाके हमला कर देंगे। तो इधर क्यूबा ने अपनी तरफ से सेना भेज दी कोर्टेस के खिलाफ कि बिना परमिशन के तुम कहां से चले गए वहां पे, तो ये भी बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो ज्यादा वक्त नहीं था यहाँ पे कोर्टेस के पास, लेकिन कोर्टेस ने फिर भी यहाँ के लीडर से तुरंत संधि की। पहले तो कत्लेआम किया, उसके बाद जब लोग डर गए तो उन लोगों को अपने साथ में लिया और फाइनली टेनोच्टिट्लान की तरफ इन्होंने मार्च कर दिया। उसके बाद मोंटेजुमा जो थे, मोंटेजुमा ने इनको बहुत अच्छे से ग्रीट किया, लेकिन उसके बाद लोगों नहीं, मोंटेजुमा के जो लोग थे, टेनोच्टिट्लान के जो लोग थे, उन्होंने ही इसके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया और उसके बाद फिर ये मारा गया, ठीक है। अब भैया इनका जो एम्परर है वो मतलब खत्म, ठीक है, इसका भांजा जो है कोहटेमोक, उसने इस एम्पायर को संभाला। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि जो स्पेनिश थे, ठीक है, जो यूरोपियंस थे, वो अपने साथ लाए थे एक महामारी जिसको बोला जाता है स्मॉल पॉक्स। वो स्मॉल पॉक्स अपने साथ लेके आए थे। अब जब ये अपने साथ स्मॉल पॉक्स लेके आए तो आपको पता ही है कि ये छूने से फैलती है, ठीक है, कंटेजियस डिजीज है ये। तो भैया बहुत लोगों को स्मॉल पॉक्स हो गया और 40% जनता तो है, जनता जो है वो निपट गई इसमें। यानी कि इतने लोग तो युद्ध में नहीं मरे जितने स्मॉल पॉक्स से मर गए। तो आधे से ज्यादा जनता यहां पे साफ हो गई। इनको भी, इन महाशय को भी, जो राजा थे कोहटेमोक, इनको भी स्मॉल पॉक्स हो गया था, रेजिस्ट ही नहीं कर पाए थे। और 1520 आते आते हम ये देखते हैं कि अटैक कर दिया यहां पे टेनोच्टिट्लान। और टेनोच्टिट्लान पे जो अटैक हुआ, जैसा कि मैंने बताया कि जो छोटे छोटे शहर थे उनके लीडर्स को अपने साथ मिलाता गया, लोग तो यहां पे हर्नांडो कोर्टेस का साथ दे ही रहे थे। इधर से क्यूबा भी आ गया, क्यूबा की भी आर्मी आ गई इधर से। तो यहां पे जब क्यूबा की आर्मी आई तब हम देखते हैं कि हर्नांडो कोर्टेस थोड़ा सा रुका, उनको लगा कि ऐसा कैसे चलेगा, यहां से तो दो साइड से अटैक हो रहा है। तो जब क्यूबा की आर्मी आई तो वो क्यूबा की आर्मी के पास गया और यहां के जो लड़ाके थे उनसे ये बोला कि तुम मेरे साथ हो जाओ, जब टेनोच्टिट्लान को हम जीतेंगे तो तुमको भी अच्छा खासा इसमें हिस्सा मिलेगा। तो यहां पे क्यूबा की आर्मी भी भैया इनके साथ लड़ने लगी। और उसके बाद डिएगो वेलास्कस ने सोचा कि सजा देंगे हर्नांडो कोर्टेस को, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। देखते ही देखते 1519 में ये एक्सपेडिशन शुरू हुई और दो साल के अंदर 13 अगस्त 1521 आते आते हम देखते हैं कि टेनोच्टिट्लान को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, यहाँ के सारे मंदिर बर्बाद कर दिए और हर्नांडो कोर्टेस ने एजटेक एम्पायर को पूरा बर्बाद कर दिया आर्मी की हेल्प से और वहां के जो नेटिव्स थे उनकी हेल्प से। और फिर हम देखते हैं कि स्पेन को जब ये बात पता चली तो हर्नांडो कोर्टेस को बहुत अच्छे से ग्रीट किया, मेक्सिको का यहाँ पे गवर्नर जनरल बनाया, मेक्सिको के पहले गवर्नर जनरल बने। और ये फर्स्ट फेज था अमेरिका का जो कॉलोनाइजेशन किया स्पेन ने, ये पहला फेज आरंभ हो गया था, फर्स्ट फेज की शुरुआत हो गई थी। और उसके बाद अगले 200-300 सालों तक पूरे अमेरिका को कॉलोनाइज कर दिया स्पेन ने और बड़ी बर्बरता की यहाँ पे, बहुत ज्यादा दिक्कत थी, ठीक है। और यहाँ के जो इंडिजीनियस लोग थे, ठीक है, जो यहाँ के जो नेटिव थे, जो ट्राइब्स थी, स्पेन ने सबको मारा,
किसी को, हर्नांडस कोर्तेस बड़ा ही जालिम इंसान था, ठीक है, सबको मारा, किसी को नहीं छोड़ा, कोई दया की भीख नहीं, ऐसा ही होता है ताकि डर लोगों में बना रहे कि हम आ गए हैं। तो 2 साल के अंदर 1519 से लेकर 1521 तक, मतलब इतनी जल्दी शायद ही कोई एम्पायर गिरा हो, 2 साल के अंदर पूरा का पूरा एजटेक्स एम्पायर जो है वो तबाह हो गया और लोग कुछ भी नहीं कर पाए। हर्नांडस कोर्तेस को स्पेन का कैप्टन जनरल भी बनाया गया, और साथ ही साथ मेक्सिको का गवर्नर जनरल भी बनाया गया। अब हर्नांडस कोर्तेस को यह लग रहा था कि ऐसा ना हो कि डियागो वेलास्कस जो क्यूबा के गवर्नर है उनकी बात मैंने नहीं मानी, उन्होंने बोला था यहां पर अटैक नहीं करना है और मैं उनकी बात को मतलब अनदेखा करते हुए यहां पर अटैक कर दिया, तो हो सकता है स्पेन में मुझे सजा भी मिले। लेकिन उनका काम इतना जबरदस्त था, इतने बड़े एम्पायर को उन्होंने देखते ही देखते गिरा दिया था कि किसी ने उनको सजा नहीं दी, बल्कि स्पेन ने तो भैया इनको बहुत ही ऑनर किया, इनको सजा नहीं, इनको तो तोहफा दिया। तो ये कहानी थी दोस्तों एजटेक्स एम्पायर की। और फिर 1521 में यहाँ पे मेक्सिको में ही भैया हर्नांडस कोर्तेस आ गए, यहाँ के पहले गवर्नर जनरल बने। फिर ग्वाटेमाला को 1525 से लेकर 1530 तक ग्वाटेमाला को यहाँ पे कंकर किया। फिर 1527 से लेकर 1547 तक, ये 20 साल तक जबरदस्त तरीके से अमेरिका को कंक्वेस्ट किया। और हम यहाँ पे देखते हैं कि 1541 में रिटायर भी हो गए ये हर्नांडस कोर्तेस, और 1547 में इनकी मौत हो गई, ठीक है। तो ये पहला स्टेप था अमेरिका के कॉलोनाइजेशन का जो स्पेन ने किया, पहला फेज था, और उसके बाद फिर बड़ी बुरी हालत की। तो ये छोटा सा लेक्चर था दोस्तों, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बैटल में मैं नहीं गया हूं दोस्तों, आपको मुश्किल होगा क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और उसके बाद फिर बहुत सारे इसमें डायनेमिक्स है, तो मैंने जितना सिंपल हो सकता है लेक्चर उतना सिंपल रखने की कोशिश की है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।